हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पावर्स और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स की लॉज पढ़े थे। आज हम पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 × 5 × 5 × a × a। तो सबसे पहले 5 अलग हो गया और a अलग दिया हुआ है। 5 बेस है हमारा, 5 जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो उसका एक्सपोनेंट्स होगी। 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इस यहाँ लिख देंगे 3। ये हो गया 5 raised to the power 3। मल्टीप्लाई में a है, a 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो a की पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 power 3 a 2। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया है −125/343। पहले हमें नॉर्मली ओपन करके दिया हुआ था मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अब डायरेक्ट नंबर दिया है तो पहले इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ओपन करेंगे, उसके लिए दोनों के ही प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 343 का निकालेंगे तो 7 से करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा आएगा 49। अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 7 = 49 और 7 से करेंगे तो 1, तो हमारा इसका आ गया 7 × 7 × 7। −5 हमारे बेस हो गया, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स हो गई हमारी 3। इसी तरीके से 7 × 3, यहाँ बेस डिफरेंट है लेकिन दोनों में पावर सेम है तो हम इसे लिखेंगे −5/7 raised to the power 3। थर्ड क्वेश्चन है 25 × 25 × 25 × 25 × 25। टेकिंग बेस इज 5। अब इसमें 25 दिया हुआ है लेकिन दिया है कि बेस हमें लेना है 5, तो पहले 25 को लिखेंगे 25 × 25 × 25 × 25। यहाँ बेस हमारा 25 है और पावर हो जाएगी 1, 2, 3, 4। 25 की पावर 4 हो गई लेकिन हमें बेस लेना है 5, तो इस 25 को 5 की फॉर्म में लिखेंगे। 25 इक्वल होता है 5 × 5 के, तो 25 के बेस लिखेंगे 5 × 5 और पावर हो गई 4। यहाँ 5 × 5 हो रहा है यानी 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर हो जाएगी 4। तो हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ में पढ़ा था कि पावर पे पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m और उस पर भी पावर n है तो हम लिखते हैं a m n। तो यहाँ 5 की पावर 2 है और उस पर भी पावर 4 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 4, तो हमारा आंसर होगा 5 की पावर 8। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दिया है 4 raised to the power 0 − 6 raised to the power 0, 4 raised to the power 0 + 6 raised to the power 0। सब में पावर 0 दिए और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। डिजिट चाहे कुछ हो, पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे 4 की पावर 0 1 − 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 मल्टीप्लाई 1 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन है 3 की पावर 0 + 8 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 6 की पावर 0। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, 1 + 1 1 + 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। थर्ड क्वेश्चन दिया है 5 raised to the power 2 − 3 raised to the power 2 / 5/4 2। यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में होता तो पावर्स की जो एक्सपोनेंट्स की जो लो है वो हम यूज़ में ले लेते, लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो एक्सपोनेंट्स की कोई लो यहाँ पे यूज़ में नहीं आएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 की पावर 2 है इट मीन्स 5 × 5 = 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 − 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 करेंगे 25/4 की पावर 2 = 16। 25 में से 9 लेस करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 25/16। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो डिजिट चेंज हो जाएगी, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 16 /
25, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, तो 256 अपॉन में 25 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 रेज दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 6। सिंप्लीफाई करना है मतलब पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट्स थे उसके लॉज को यूज़ में लेना है। फर्स्ट दिया है 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है और ये 4 की पावर है, तो 4 की पावर को 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। 2 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होती है और उस पर पावर 2 दिए तो 2 की पावर लगा दें। 32 है, इसे 2 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 32 2 से डिवाइड किया 16, 8 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 1 2 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 की पावर 5 इक्वल हो गया किसके, 32 के। तो यहाँ हम 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में दिया है 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है और उस पर भी 2 है, तो यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है a की पावर m और उस पर भी पावर n, तो होता है m n, सेम एज इट इज़ हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 2 2 4, तो ये हो गई 2 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 दिया है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा तो उस पर पावर 1 होती है। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 6, 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। सेम प्रोसेस यहाँ है, ये मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 4 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड में हो गया 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। यहाँ दिया है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4, बेस डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व नहीं कर सकते और सेम यही है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है इनमें बेस सेम है और डिवाइड में दिया है, जब डिवाइड में पावर्स होती है बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, 2 की पावर 7 माइनस 6 और यहाँ भी 3 3 बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 माइनस 1, हमारा लो होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो a m माइनस 1 n। 2 की पावर 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अपॉन 9 की पावर माइनस 3 दी है, माइनस में पावर है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो गया 9 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 की पावर 0 है, पावर 0 है इट मीन्स वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लाई 9 रेज टू दी पावर माइनस 2 तो 1 अपॉन 9 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी पावर माइनस 1 में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन में 25। 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो वही होगा 9 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 थी मल्टीप्लाई 25। सेम प्रोसेस है, अब ये 9 की पावर 3 है और यहाँ भी 9 की पावर 2 है डिवाइड में है तो पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 9 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 1 ही होगी और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइड में 5 की पावर 3 9 की पावर 2 माइनस सब्सट्रैक्शन में हो गई थी, यहाँ लिखा है 25 इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 2 क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है। 9 की पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो 9 की पावर 1 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में हो गया 5 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 2, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएगी
थ्री प्लस टू फाइव रेज टू दी पावर टू, यहाँ अप्लाई किया हमने ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल होता है ए की पावर एम प्लस एन। नाइन की पावर वन नाइन होगा मल्टीप्लाई सिक्सटीन अपॉन में फाइव की पावर फाइव एज इट इज़ लिख देंगे। नाइन की पावर वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन तो नाइन मल्टीप्लाई सिक्सटीन फाइव रेज टू दी पावर फाइव, फाइव की पावर फाइव, नाइन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे 144 अपॉन में फाइव की पावर फाइव, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।